हेलमेट और थोड़े से गार्ड्स ये सब परोस रहे हैं, बाइकर्स आए हैं, दो चार नट डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल कटोरी में डाल देंगे। एवरेज इसका 22-23। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ब्रो, वेलकम टू इट्स आवर स्टोरी। आई एम राजीव सरीन एंड यू आर मिस्टर राहुल सरीन। सो राहुल, टुडे संडे राइड, लेजी संडे राइड। लेजी संडे राइड क्यों है? क्योंकि कितना टाइम हो रहा है? 11:10 हो रहे हैं एग्जैक्टली। सो 11:11 में हम यहाँ से निकलेंगे, जो कि शुभ होता है। चले फिर एडवेंचर स्टाइल में चढ़ते हैं। नेविगेशन ऑन कर दिया भाई मैंने, 11:11 हो गए, बाइक भी वार्म्ड अप है, लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। ओह यस, एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। चल सही है, हे पल्सर, इनविंसिबल, एंकर सेज हाय। टीआरके को खुद अपने पैरों से पीछे करना ना अलग ही फील आता है, ऐसा लगता है कुछ अचीवमेंट की है। मिरर सेट, नेविगेशन सेट, यहाँ से 3 आवर्स दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली हम लोग खाते पीते घूमते फ़ोटो खींचते जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे आराम से। सो आज की जो डेस्टिनेशन है, इट्स अ वन डे गेट अवे, यू कैन इवन स्टे फॉर अ नाइट एंड एक्सप्लोर मोर, बट एज अ बाइकर इट्स अ वन डे गेट अवे एंड वी गोना सी अगर हम कुछ अच्छे मॉन्यूमेंट्स यहाँ कुछ अच्छी जगह देख पाए। बंद कर दिया भाई, चले, जय माता दी। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, कहीं पे धूप हो रही है देख, कहीं पे हो रहा है अंधेरा। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ अंधेरा होता है। और इसी के साथ ट्रिप बी को मैंने 0 कर दिया है। ठीक है भाई, भाई लेट निकलने का ये ज़रूर नुकसान होता है कि ट्रैफिक बहुत मिल रहा है। आई होप आगे ऐसा हाल ना हो। वैसे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट व्यूज़ अमेजिंग है यार। अभी से ऐसा लग रहा है कहीं मतलब दूर आ गए हैं। पूरा ऑफ रोड वाला ट्रेल बना हुआ है भाई, वैसे ऑन द रोड भी पूरा ऑफ रोड ही है, घर से निकलते ही मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी। कहीं बढ़िया सी जगह देख के एकदम ब्रेकफास्ट करना है और वहीं पे फिर मुँह हाथ धोएंगे थोड़ा सा। वाओ राहुल, अभी हम लोग ना द्वारका एक्सप्रेस वे पे, यहाँ वैसे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमारा ऑफ रोड ऑन रोड दोनों चल रहा है, बट टेंटेटिवली दिखा रहा है कि 2:10 पे पहुँचेंगे हम लोग। अभी 2:42 यहाँ से और दूर है। सो एंजॉय द राइड ब्रो। ओ भाई साहब, है ना भाई, एक भी इधर उधर मुड़ गई ना। सही बात है, मुड़ गई मुड़ गई। ओ भाई साहब, हेलो भाई, एक और ऑफ रोडिंग। इसके बाद ना ट्रिप के बाद तेरा ही एक्सपीरियंस पूछना पड़ेगा मुझे कि भाई पीछे बैठ के कैसा लगा। अभी तक मज़ा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, जान के अच्छा लगा। भाई जो मर्जी बोल लो, इंडियन रोड्स के लिए ना एडवेंचर टूरर कंपलसरी हो जानी चाहिए। भाई मेरी जैकेट किस कलर की है? मेरी जैकेट किस कलर की होगी? है ब्राउन हो गई पूरी भाई, जहां तक मुझे याद है ली तो हमने ब्लैक कलर की थी।
तो भाई हाँ मेरे को भी वही कह रहा हूँ, ढाबा दिखा मुझे भी दोनों की आँखें ऐसे, खाया नहीं हुआ सुबह से, कुछ भूख लग रही है। ये हाईवे सीधा जाता है अपना जयपुर मानेसर, वो देख बाइकर्स। बोलो भाई बसंत ढाबा चल रहे हैं? हाँ चलो। चलो भाई फिर भाई, ब्राउन हो गया सब भाई देख, अभी साफ कर लेंगे। हाँ वो तो करना ही है तुम्हारी मिट्टी भी हमने खा ली मेरे भाई इसलिए तुम ठीक हो। कोई नहीं मैं चला लेता। ओहो ना दे 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 ओ तार पकड़ के लगा हुआ है। चल 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 भाई, ये प्लेट है, प्लेट टॉप है, प्लेट टॉप, हेलमेट भी छोटा लग रहा है इसके सामने दोनों आ जाएंगे एक एक। सही बात है, हेलमेट और थोड़े से गार्ड्स ये सब परोस रहे हैं, बाइकर जाए दो चार नट डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल कटोरी में डाल देंगे। हाँ भाई क्या बोल रहा था भाई कहता मैं इसको बोलूँ फिर से लेकर आ व्लॉग के लिए भाई अगले ने जितने का व्लॉग नहीं होना उतने की टिप मांग लेनी है। व्हाट अ क्लासिक पराठा भाई, इसका साइज काफ़ी अच्छा है आई थिंक, इसलिए उसने बोला पहले एक एक लगा देता हूँ। भाई तो ये बता, फोटो के लिए मक्खन चोरी कर लिया गया है यहाँ फोटो के लिए, देखिए देखिए एक गुनहगार भाई, मक्खन चोरी कर दिया गया है यहाँ पर। और बढ़िया सब ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया है। चले भाई रेडी है, ऑल सेट। मौसम बढ़िया हो रहा है यार अब। हाँ पीना यार, बिंदास पी। पेट्रोल भर रहे पिचकारियां मार रहे हो रहा। तो आज हम जा रहे हैं अलवर, और अलवर 150 किलोमीटर के आसपास है फ्रॉम योर दिल्ली और गुड़गांव। इट्स अ वन डे थिंग, आप सुबह जाके शाम को आ सकते हो। सिंस मॉनसून का टाइम चल रहा है तो कहीं दूर जाने का तो प्लान नहीं था, सो वी थॉट कि चलो ठीक है कहीं दिल्ली के आसपास एक दिन सुबह जाके शाम को आ जाएंगे। सो टुडे संडे, वी स्टार्टेड क्वाइट लेट, हम लोगों ने 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास हम निकले थे घर से। अभी 2 बज रहे हैं क्योंकि हम लोग रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट करने लग गए थे और मस्ती मस्ती के मूड में चल रहे हैं। मेन इट्स लाइक वहाँ पे एक फोर्ट है, सो अलवर में एक फोर्ट है प्लस एक लेक है एंड उसके अलावा आई थिंक दैट्स ऑल, बाकी जाके एक बार देखते हैं। हमारा मेन पर्पस इज़ नॉट कि वहाँ जाने के बाद हम लोगों को कुछ साइट सीइंग बहुत ज़्यादा करनी है या फिर हम लोगों को कोई स्पेसिफिकली किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाना है। हम लोग तो बस इट्स लाइक कि बाइक राइड करनी थी यार, TRK चलानी थी, बनेरी चलानी थी, बहाना चाहिए था। और कोई डेस्टिनेशन होती है तो थिंग्स गेट ईजी, एंड कोई नई डेस्टिनेशन होती है तो डेफिनेटली थिंग्स गेट एक्साइटिंग एज वेल। So that's the entire purpose of this short trip, short ride. मेरा भाई आ रखा है, राहुल आ रखा है, एंड ही वॉन्टेड टू जस्ट गो फॉर अ स्ट्रॉल। ही वॉज लाइक कि चलो भाई कहीं लेके चल लो मुझे। सो मैं भी कभी अलवर नहीं आया था और मैंने चेक किया नियर बाई प्लेसेस में, तो अलवर वॉज वन ऑफ द प्लेस। कि आज बारिश का मौसम एक्सपेक्टेड था लेकिन काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस क्योंकि बाइक पे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, बट एट द सेम टाइम मौसम अच्छा है तो मज़ा भी आ रहा है चलाने में बाइक। बीच बीच में व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, प्यारी सी छोटी सी सड़क, आसपास खेत अच्छा है। 6 gear, 4000 RPM, 80-90 की स्पीड। भाई अलग ही ऑफ रोड है भाई।
भाई बहुत सारी चॉकलेट है। कितने ट्रक है भाई ये? ओ हो और ये ट्रक पूरा पलट रखा है भाई। ये क्या चीज है? ये होगा भाई को मंदिर। ओ मधुमक्खी के छत्ते हैं भाई ये। नेचुरल हनी कहते हैं, अभी निकाल के देंगे। इतना नेचुरल और इतना ताजा। ये अलवर भिवाड़ी करके रोड है भाई, पर गलत ही ट्रैफिक है यार। ओ भाई साहब, लुक एट दिस ब्रो, लुक एट द ट्रक्स। इसको ऐसे करके एक सिनेमैटिक शॉट बना सकते हैं। तो भाई लोग, आप लोगों ने कितने ट्रक काउंट किए? क्योंकि हम तो गिनती बहुत पहले भूल चुके हैं। तो भाई साहब, इतनी लंबी तो ट्रेन नहीं होती है यार। ये वाली शॉप 7 लाख रुपए गाड़ी भाई। 7 लाख की पर सस्ती साथ नहीं, महंगी थोड़ी है। आपके लिए महंगी ना, इनके लिए महंगी बोला। पानी का सूट अलग आवर पैसा ले। आदमी की महंगी नहीं होती, महंगी क्या भाई? ये बात तो सही है। सौ के आगे कोई चीज महंगी ना रहे। बिल्कुल, 500 एवरेज। 21-22 इनको किसने बताया हम टीआर के प्यार हैं? है भाई साहब, बच गए। नहीं नहीं बच गए भाई, अभी अभी बस ऐसे जाने वाला था नीचे तो मैं बचा लेता ब्रो। भाई तेरे पैर तेरे खुद के नहीं नीचे पहुंचते, मेरे मैंने पूरी जान से रोका भाई पैर की। बैठ जा।
तो भाई बाइक होने का फायदा तो है, मस्त आराम से हम यहाँ पहुँच गए। क्या नाम है इस जगह का? जय समानंद, जय समानंद लेक। अच्छा चढ़े कहाँ हुए हो तुम? चढ़ का रखा चाहिए पे। अच्छा है, पीसफुल है, इतना साफ सुथरा नहीं है और बहुत इजीली रीचेबल भी नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट है, अपने राइड के अकॉर्डिंग सही है। चले भाई। हाँ भाई चलो। हाँ जी सर, बाइक देखनी है? बाइक देखनी है? आपकी सर ड्रेस से भी मैचिंग है। मैं कह रहा हूँ आपकी तो ड्रेस पे भी मैच करेगी पूरी। ड्रेस पे लग नहीं रही ट्रैफिक पुलिस वाली बाइक है। घर की है? घर की है मेरी अपनी। कितने रुपए के लिए? ये 7 लाख की पड़ती है ऑन रोड। 7 लाख। कौन सी है ये? बनेली की है। एवरेज इसका 22-23। अच्छा हम लोग अभी आ रहे हैं इधर से गुड़गांव से, हम लोग यहाँ तक आए थे इधर, ये फोर्ट है ना, हम इस तरफ आए थे। नाइस, वो देख रहा ऊपर पूरा फोर्ट है, वो पूरा ऐसे जा रहा है। हाँ ठीक है, और बाइक अलाउड नहीं है? बाइक अलाउड नहीं है। अच्छा यहाँ से नीचे क्या है? गांव के लिए जाता है, आगे जड़ी कर फोर्ट है। फोर्ट भी है वहाँ, जा सकते हैं बाइक। चलो घूम लेते हैं कैफे। कैफे का नाम क्या है भैया? कौन सा? फॉरेस्ट कैफे। फॉरेस्ट कैफे में मिस्टर राहुल सरीनॉट। इट्स आर स्टूल। क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई मैगी खा रहे हैं, खा ले। तो यहाँ पे जो फोर्ट था, अगर उस फोर्ट पे जाना है तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ जिप्सी और अ कार एंड टिकट देके आप जा सकते हो। वैसे 5 o'clock के आसपास वो फोर्ट बंद हो जाता है, बाइक सुपर अलाउड नहीं है। सो देयर वाज अनदर वे डाउन, नीचे वाले रास्ते से उन्होंने बोला दैट यू कैन गो इफ यू वांट टू, और हमें थोड़ा बहुत ऐसा एरिया देखना था, ऐसा एक्सप्लोर करना था, सो दैट्स व्हाई हम लोग इस साइड आ गए। दिस इज़ प्रीटी अमेजिंग, ऐसा लग रहा है एकदम जंगल सफारी पे आए हैं हम लोग, वो भी TRK 502X पे। तो इफ़ यू गॉट अ बाइक आप यहाँ धदीकर फोर्ट में आ सकते हो, है ना भाई? और अगर गाड़ी है तो बाला फोर्ट भी जा सकते हो ऊपर, या फिर वहाँ पे आप जिप्सी रेंट कर सकते हो, रेंट करने के बाद फिर जा सकते हो। सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, इट्स 5:42 ऑलरेडी, और अंधेरा हो गया तो ये काफ़ी मतलब सुनसान और भयंकर सा ही रास्ता था, जंगल जंगल पूरा। सो वी वॉन्ट कि हम डे लाइट में ये वापस क्रॉस कर लें, इसलिए हमने धदीकर फोर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, अपना मेन मोटिव राइड करना था और वो काफ़ी अच्छे से हो गई है, हो रही है इनफैक्ट। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, हमने 170 किलोमीटर क्लॉक कर लिया अभी तक। बकरियाँ क्या? मस्त
हाँ जी भाई, मोटरसाइकिल ये 2 लाख? 2 लाख हाँ जी सही है। बकरी बकरी बहुत प्यारी है आपके साथ, सारी बकरियां बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं। वैसे घूम भाई आ गए? हाँ घूमने घूमने। ऑलराइट गाइस, सो बाइक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी मज़ा आया, बीच में काफ़ी रफ पैचेज आए बट काफ़ी अच्छे से हैंडल किया बाइक ने। सो चाहे वो रफ पैचेज हो, चाहे वो ऑफ रोड वाला एरिया हो, या फिर एकदम मक्खन स्मूथ हमें क्रूज करना हो, एट एवरी टेरेन दिस बाइक बेनेली टी आर के 502X इज परफॉर्मिंग गुड। द जर्नी विल कंटिन्यू एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग मोर थिंग्स। ब्रो व्हाट इज दैट? वो छोटे छोटे से जो है सुअर है क्या? हाँ सुअर है, सुअर जंगली सुअर थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो लाइक एंड कमेंट किए बिना मत जाइएगा। ऐसी और राइड्स, वीकेंड राइड्स मैं करता रहूँगा। दिस वॉज अ रैंडम प्लान विद राहुल। राहुल आपको कैसा लगा ब्रो? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ। पैसा वसूल? फुल वसूल। चलो बढ़िया। बाय करते सबको। इट्स आवर स्टोरी साइनिंग आउट।